सक्सेना। हापुड़ से सनसनीखेज खबर आ रही है जहां ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हुआ है। इस सनसनीखेज वारदात में प्रेमिका ने ही अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी की हत्या कर दी। आइए देखते हैं ऐसे ही उत्तर प्रदेश के कुछ समाचार। आपको बता दें, चार दिन पूर्व हापुड़ देहात क्षेत्र के अंतर्गत बाईपास धनौरा कांट के पास जंगल में एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त ऋषिपाल सिंह सैनी पुत्र चसवंत सिंह के रूप में हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ करने पर बताया कि मृतक ऋषिपाल के संबंध ज्योति से लगभग एक डेढ़ साल से थे। इसी बीच ज्योति की दोस्ती सोएब से हो गई और वह ऋषिपाल से दूरी बनाने लगी, जबकि ऋषिपाल ज्योति से कहता था कि वो अगर उससे बात नहीं करेगी तो वो उसे पूरे समाज में बदनाम कर देगा, और इसी बात पर उसी धमकी देने लगा। ज्योति ने यह बात अपने दोस्त सोएब को बताई तो सोएब ने अपने दोस्त व ज्योति के साथ मिलकर ऋषिपाल की हत्या करने की साजिश रची और वहीं से शुरू हुआ खूनी खेल। ज्योति ने ऋषिपाल को फ़ोन कर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बुलाया और खुद अपने दोस्त सोएब व तारिक को लेकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ऋषिपाल के पास पहुंच गई। उसे अपने साथ कार में बैठाने के बाद ज्योति ने ऋषिपाल की कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गया और उसे सोएब की आल्टो कार में बैठाकर तीनों आरोपियों ने चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी तथा उसके शव को बाजरे के खेत में फेंक दिया और खुद फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चाकू और चार मोबाइल फोन व घटना में प्रयोग की गई लाल रंग की कार तथा मृतक के हाथ का कड़ा हुआ ब्लूटूथ बरामद किया है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो हापुड़। बिहार पुलिस ने गिरफ्तारी की है, क्या खुलासा है? ये दिनांक 29/9/22 को जो मेरठ हापुड़ बाईपास है, इसमें धनौरा कट के पास एक युवक की डेड बॉडी मिली थी खेत में, और इसमें अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया था हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में। इसमें जो सर्विलांस टीम और थाने की टीम इसमें लगी हुई थी, इस जो व्यक्ति था जिसकी डेड बॉडी मिली थी उसकी पहचान ऋषिपाल सैनी, जो कि बिजनौर जनपद में नूरपुर थाना क्षेत्र में दरियापुर गांव का रहने वाला था, उससे उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हुई। और उसके बाद जब पुलिस ने उस पर काम किया तो इसमें ये प्रकरण निकल के आया कि इस व्यक्ति का, एक ज्योति नाम की लड़की थी, उससे इसकी दोस्ती थी और ये उसी से मिलने दिल्ली गया था। जब इसके साथ वो दिल्ली में मौजूद था तो उस लड़की के द्वारा दो उसके अन्य साथी, जिसमें एक का नाम सुहेब और दूसरा तारिक जो कि बिजनौर के ही रहने वाले हैं, उनको वहाँ पे बुला लिया और फिर जो मृतक है उसको कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला के अपनी गाड़ी में, ऑल्टो गाड़ी जो इन्होंने यूज़ की थी घटना में, उसमें उसको लेके आए और हापुड़ बाईपास पे खेत में ये वॉशरूम के बहाने वहाँ उसको नीचे लेके गए और वहाँ पे चाकू से उसका गला काट के उसकी हत्या। इसमें जो मेन हत्या का कारण जो आया है उसमें ये आया कि जो ज्योति है वो उसकी फ्रेंडशिप मृतक के साथ थी और जो सोएब था उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी और इसी को लेके इनका आपसी विवाद हुआ था, उसी के चलते इन्होंने इसकी हत्या की। आपको बता दें, हापुड़ में सोमवार को यातायात नियमों का पालन कराने हेतु CO ट्रैफिक स्तुति सिंह ने यातायात पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर तहसील चौराहे व गुरुद्वारा तिराहे पर सवारी बैठा कर फर्राटा भरते हुए दौड़ रहे ट्रैक्टर ट्राली चालकों को रोककर समझाते हुए कहा कि माल ढुलाई व सवारियों को बैठा कर चलाने के लिए कॉमर्शियल ट्रैक्टर ट्राली का प्रयोग किया जाना चाहिए। ट्रैक्टर ट्राली चालकों को चमकदार रेडिएशन टेप लगाने चाहिए और यदि ऐसा नहीं किया गया तो 10,000 रुपये का जुर्माना करते हुए चालान किया जाएगा। अपने परिवारजनों की जान को क्षति पहुंचा दे, इस तरीके से अनसेफ ट्रैवल कर रहे हैं।
हमने ये भी नोटिस किया है कि काफ़ी ट्रैक्टर्स जो हैं वो कृषि मतलब पर्पज़ से लिए जाते हैं लेकिन उनका कमर्शियल यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए हम अवेयरनेस ड्राइव चलाई है हमने ये, जिसमें लोगों को बताया जा सके कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर हमेशा एक रिफ्लेक्टर स्ट्रिप होनी चाहिए, नंबर प्लेट होनी चाहिए, और कमर्शियल पर्पज़ के लिए अगर यूज़ हो रहा है तो कमर्शियल ही उसकी नंबर प्लेट होनी चाहिए, और अगर इस तरह से कृषि के लिए है तो सिर्फ कृषि पर्पज़ से ही यूज़ होगा। मैम आज आपने कितने ट्रैक्टर को हिदायत देकर छोड़ा? करीब 20 ट्रैक्टर्स को अभी मैं कुछ हिदायत दे चुकी हूँ, बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से हर जगह ये कैंपेन चलाया जा रहा है, विभिन्न PSIs को इन्फॉर्म किया गया है, DI को इन्फॉर्म किया गया है कि वो इस तरीके से ड्राइव चलाकर सबको अवेयरनेस के तौर पर सभी को समझाएं कि इस तरह के नियम होते हैं और इस तरह उन्हें पालन करें। ये यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आगे की क्या कार्रवाई होगी? इसमें देखिए इस समय 10,000 रुपये का चलान है, अगर कोई भी लोगों को बैठाकर इसमें सफ़र कराता है क्योंकि ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए होते हैं, लोगों की ट्रैवल के लिए नहीं। शाहजहाँपुर के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में 4 युवकों को अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया है। थाना निगोही पुलिस ने ब्रजवान सिंह व अंकित कुमार निवासी ग्राम खिरिया को नाजायज तमंचों व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर थाना कटरा पुलिस ने भी कटरा निवासी दीपक गुप्ता व राम किशन को एक एक तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो शाहजहाँपुर। तो इसी प्रकार जुड़े